नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा। और आप देखिए आज हमारे साथ कौन आए हैं, ये समझ लीजिए गॉड ऑफ द फिजिक्स। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन एज ए पर्सन और बहुत ही शानदार जो फिजिक्स के टीचर हैं हमारे सामने आए। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर जिनसे आप पढ़े हो उन सबके भी ये मेंटर रहे हैं। तो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं, हम सब वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड सर नितिन जैन सर का। We welcome you, sir, on our platform, An Academy Accelerate, sir. Hello, everyone. Hello, Mr. Om. I'm glad to be here. Sir, ये एक ऐसा occasion है जब students काफी दिनों से live classes में आकर भी मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं कि सर जो हमारे Vibrant के जो directors हैं वो classes हमारी कब लेने वाले हैं। बहुत एक क्रेज सा बना हुआ है, जो प्लस के सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं या जो फ्री वाले स्टूडेंट्स हैं सभी पूछने वाले हैं हम तो सब्सक्रिप्शन तब लेंगे जब अकेडमी के डायरेक्टर्स आ जाएं। तो वो एकदम से हमारी जो प्रिपरेशन है, क्योंकि जो कहानी उन्होंने अब तक सुनी है कि इन टीचर्स को वो एक्सपीरियंस है, एक स्टूडेंट एक जो 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट भोला भाला सा आता है और उसके बाद फिर वो जो IIT तक क्रैक करने के लिए जो टॉप रैंकर्स जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें आपकी बहुत सारी टेस्टिमोनियल स्टोरीज रही होंगी। और मैं तो कोटा में रहा भी हूँ, एज ए स्टूडेंट भी देखा है, एज ए फैकल्टी भी देखा है। जब मैं पढ़ता था तब भी मैंने आपका बहुत सारा नाम सुना था। आई एम ए बिग फैन ऑफ योर सर, पहले तो ये मैं आपको क्लियर बता दूं, मतलब एक कन्फेशन कर दूं, मेरी तरफ से मिल नहीं पाए थे हम। पर जो बात स्टूडेंट्स सोचना चाहते हैं कि एक करियर को सीरियसली जो वो लेते हैं कि एक साइंस मैथ्स टेंथ के रिजल्ट के बाद एक डिसीजन लेना और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन के पूरे रास्ते में जितने अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं उन सबको फेस करते हुए टॉप रैंकर्स में बनने की जो जर्नी है, आई थिंक आपको उसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को उसके बारे में सर बताइए। ओम, देखो मेरा जो टीचिंग का जर्नी शुरू हुई थी वो 1995 में चालू हुई थी। मैंने उसके पहले ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और एक दो साल बॉम्बे में जॉब करने के बाद कंप्यूटर्स की कंपनी में, और मैं फिर कोटा आ गया था। और वहाँ पे भी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह करी थी कंप्यूटर के टेक्नोलॉजीज पे। तो वहीं से मेरे को लगा कि जो है मेरे अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो वहीं से जो मेरा फर्स्ट जॉब जो था वहीं से मेरा एक्सपोजर जो है इस टीचिंग फील्ड में इन अ वे हो गया था। और फिर वहां से छोड़ के जब मैं कोटा आया तो कोटा में जो है एक दो साल थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी बंसल क्लासेस में मुझे बंसल सर ने मिलने गया, मेरी कॉलोनी में ही थे वो। तो वो फिजिक्स की जो है टीचर की तलाश में थे क्योंकि वो खुद पढ़ाते थे फिजिक्स, और मैथ्स में उनका फोकस रहता था, फिजिक्स में उनको जरूरत थी। और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट भी एक फेवरेट सब्जेक्ट था। तो बंसल सर से बात करके जो है उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पढ़ाइए, देखते हैं आपका कैसा बैठ। तो ये बात 94-95 की है, और वहीं से जो है मैंने पढ़ाना चालू करा IIT के लिए। और उसके बाद वहाँ पर एक जो प्लेटफॉर्म जो मिला, बच्चों से काफ़ी जो है अच्छे बच्चे पढ़ाने को मिले, और उनसे क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरा वो फेवरेट था तो उनसे सीखते 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 जो है एक बहुत रिच एक्सपीरियंस जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टॉपर्स को पढ़ाने की और उनसे सीखने की। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत वंडरफुल रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे टाइम की बात करूं 2002 का रिजल्ट आया था, उस टाइम पर डोंगराराम चौधरी की एज ए रिपीटर फर्स्ट रैंक आई थी, वो सर के ही स्टूडेंट थे। और जब मैंने 2003 में एग्जाम दिया था तो मेरे बैचमेट जो हम सेम हॉस्टल में रहते थे, लव कुमार अग्रवाल, आप सर आपका स्टूडेंट होगा था, और राजन सामदानी और अजीत बुरा, इन तीनों की बंसल क्लासेस में 2003 में तीन रैंक्स आई थी, 3, 5 and 10। और लकीली जब हम IIT बॉम्बे गए थे तो हम चारों एक ही हॉस्टल में थे। हमने उनसे भी सर आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी थी कि फिजिक्स तो जो निंजा सर पढ़ाते हैं
सर इस पेट नेम से थोड़ा सा आपको बच्चे थोड़ा ज्यादा बोलते हैं सर, थोड़ी सी स्टोरी हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये नाम कैसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से, कैसे आया? नहीं, मुझे भी एक्चुअली ऐसा लगा कि बच्चों ने जो नाम रखा वो मेरे नेम से तो वर्ड्स लिए ही है, बट इसका जो लिंक जो मुझे लगा, क्योंकि ये मैं भी सरप्राइज था कि बच्चे ने कि क्या सोच के रखा, क्योंकि केवल नेम्स के वर्ड्स को पिक करना सिंगल रीजन नहीं था। इसका रीजन एक्चुअली ये बच्चों ने रखा कि वो जो टफ प्रॉब्लम्स को जैसे टैकल करने का जो स्किल था वो टॉपर्स को पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर जो डेवलप हुआ, तो जो निंजा जो है एक वॉरियर के तौर पर जो है एक कार्टून कैरेक्टर था, तो उनको हो सकता है रिलेट करते हुए लगा हो कि जिस तरह जो है वॉरियर के रूप में एक कार्टून कैरेक्टर है, तो उसी तरह से टफ प्रॉब्लम्स को जो है टैकल करना जो है तो उनको सिखाना था। सर मेरे टाइम पे अभी 2002 के बाद, वो तो आपसे 7-8 साल बाद की बात है, तब जब मैंने दिया था एग्जाम 12th में था, हिंदी मीडियम से था, मुझे तो किसी ने स्कूल का टॉपर होते हुए भी किसी ने गाइड नहीं किया था, IIT JEE आपके लिए देना, और मेरे दिमाग में हमेशा यही इंप्रेशन था कि ये तो CBSE इंग्लिश मीडियम वालों का एग्जाम है। बिल्कुल यही बात है। मैं भी सर सेम रास्ते पे था, मैं भी RPT क्लियर करके MNIT जयपुर काउंसलिंग के लिए चला गया था। देन ये प्रोफेसर जो काउंसलिंग के लिए मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपके 12th के साथ रैंक आई है। मैं कहा तो फिर आपने JEE का एग्जाम नहीं दिया? मैंने कहा वो तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है ना, मेरा उनसे ये सिंपल सा आंसर था। उन्होंने बोला कहाँ से आए हो? मैंने बोला कोटा से। तुम हंसने लग गए जोर से कि तुम कोटा में हो, तुम्हें ये बात नहीं पता? पता ही नहीं मुझे तो। फिर उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आप ड्रॉप लो, आपके जितने मार्क्स हैं आप एक साल तैयारी करके देखो, फिर आप वापस से आपके चांसेस है कि आप वापस से क्लियर करो। मतलब वो सिचुएशन थी, रहती है सर हिंदी मीडियम वालों के साथ, थोड़ा सा पेरेंट्स भी उतना अवेयर नहीं होते हैं। अच्छा लगा सर आप भी, आप तो सिमिलर बैकग्राउंड से हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये कैसा फील होता है जब आपको ये पता चलता है कि आप मोस्ट रिगार्डेड टीचर हैं फिजिक्स में नेशन वाइड, हाउ डू यू फील दिस? मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको फील होती होगी, इसके बारे में सर आपको क्या चलता है दिमाग में सर? नहीं, मैं वैसे बहुत शाई नेचर का, बहुत डाउन टू अर्थ, आई डोंट अस्यूम मच, तो मैं जो है नहीं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा इतना पॉपुलर होऊंगा। हाँ, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर आपके बारे में बहुत सुना है, तो मुझे अच्छा लगता है, मगर ये जो एक्सपीरियंस, जो एक यूनिक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बच्चों, अच्छे बच्चों को पढ़ाने की, उसमें जो है मैं वास्तव में बहुत अपने शुक्रगुजार हूँ कि भाई मुझे एक एज अ पर्सन गॉड ने जो है सेलेक्ट किया और एक ऐसा मौका मिला मुझे, तो मगर उसके आगे मैं और कुछ नहीं सोचता कि भाई है रियली जो है लोग मुझे कितना जानते होंगे, क्योंकि जो है पढ़ाने में जो है हम रहते हैं, बिजी रहते हैं, और नई नई जो है हर साल के जो बच्चों के साथ संघर्ष करते रहते हैं उनको जो है सिखाने में, तो क्योंकि मैं सोशली इतना एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए मेरा सर्कल जो है इतना बना हुआ नहीं है कि या तो स्टूडेंट्स के साथ या फेलो टीचर्स के साथ, चाइ नेचर का होने की वजह से आई एम रिजर्व। सो मोस्टली ये वाली जो कमी है ना, ये अनअकैडमी आने से आपकी पूरी फुलफिल हो जाए क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके हैं ना, वो इनका जो प्लेटफॉर्म है और जो रीच है ना, वो इतनी जगह तक है कि जो इवन जो मैंने खुद ने भी फील किया सर, हालांकि मैं आपसे काफी लेट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, पर इतनी रीच है कि जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स है वो भी कनेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं से ट्रेस होकर आ ही जाते हैं, देन दे स्टार्ट द स्टोरी। सर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ किसी स्टूडेंट का जो अचानक से आपको रेलवे स्टेशन पे मिला हो, फ्लाइट पे ड्यूरेशन पे मिला हो, और वो बता रहा होगा सर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, इस तरह की कोई स्टोरी सर बताइए ना, स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करती है सर। नहीं, ये तो जो है मेरे साथ जो है, क्योंकि 95 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पूरे दुनिया में जो है, चाहे हम अब्रॉड जाए, चाहे हम अब्रॉड जाए, यूरोप में, अमेरिका में, मैं जहाँ भी गया हूँ, वहाँ के बच्चे जो है वो बिल्कुल जो है तैयार रहते हैं कि मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि चाहे न्यूयॉर्क में एक बार मैं गया, मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पढ़ाई में स्टूडेंट जो है वो आ जाते थे, और सबसे अच्छा मुझे तब लगा जब मैं पिलानी गया,
मेरा जो कॉलेज था आज से, तो वहाँ हम रिक्रूटमेंट के लिए गए थे वाइब्रेंट की पूरे डायरेक्टर्स, और वहाँ पे जब को बच्चों को पता चला कि जो है हमारे टीचर आए रिक्रूटमेंट के लिए, तो जो है वहाँ पे करीबन 50 या 70 लोग जो है सब इकट्ठे हो गए, और उन्होंने जो है जो हमें जो वहाँ पे वेलकम दिया वो मेमोरेबल था कि भाई जो है उनके टीचर उनके कैंपस में आए हैं। तो इस तरह का जो है ये जो इंसिडेंट होते हैं कि जहाँ अपने पुराने पढ़ाए हुए बच्चे जो है मिलके जो है एक शेयर करते हैं जॉय मोमेंट्स जो शेयर करते हैं वो याद रहते हैं। बहुत बढ़िया, आपका तो इतना लंबा होराइजन है टीचिंग का कि आपके साथ तो मतलब ये काफी बार हुआ होगा। हाँ बहुत होता है, मतलब रेलवे स्टेशन और कहीं भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं तो इंडिया के बाहर भी जो है बच्चे मिल जाते हैं, और मेरे जो इन-लॉज वगैरह हैं वो भी जो है ये बताते हैं कि उनके जो है ब्रदर इन लॉ है सिस्टर इन लॉ है कि वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे भी उनको जो है मेरे पढ़ाए बच्चे मिल जाते हैं। तो घर के रिलेटिव वगैरह जो है जो कोई बैंगलोर में है कोई दिल्ली में है, तो हर जो है मेरे जो भतीजा भतीजी अब तो नेक्स्ट जनरेशन के आ गए, तो वो बताते रहते हैं कि उनके बॉस जो है मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो ये जो चीज होती है कि भाई जब पता चलता है कि अब पुराने बच्चे जो है बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच गए हैं और वो लोग जो है जब कनेक्ट होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की, सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में अच्छी अच्छी पोजीशन पर ऑलरेडी सेटल्ड है। अब सर ऑनलाइन पे आ गए आपको पढ़ाने के लिए, आप अपने घर से पढ़ सकते हैं, आप उसके थ्रू पहले IITs जाएंगे, और सोचिए जब आप IITs जाएंगे फाइनल ईयर में जो लोग आपका इंटरव्यू लेने आ रहे होंगे वो भी सर से पढ़े हुए हैं, समझ लो आप इनडायरेक्टली जो कनेक्शन जो बनता है वो बहुत अच्छा आपसे बनने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, और सर की जो भी क्लासेस आए बहुत अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते चले जाओ। जब मैं स्टूडेंट था मेरे मुझे तो खैर चांस नहीं मिला, पर जो और जो मेरे जो फेलो फ्रेंड्स थे सबने मेरे सर से बहुत सर की बहुत तारीफ सुनी, तो आप इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये लिख लो मतलब कहीं पर भी सर की क्लास मिस नहीं करनी कुछ भी हो जाए। और फिजिक्स फिर देखो सर, आपकी फिजिक्स अगर सब्जेक्ट रहा तो फिर तो आपका मैथ्स भी अच्छा रहा होगा, जनरली ये देखा जाता है कि फिजिक्स और मैथ्स गोस पैरेलल। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कॉलेज टाइम में मेरे ए ग्रेड जो है मैथ्स के कोर्सेज में आते थे। अच्छा, तो मैथ्स मेरा स्ट्रांग पॉइंट था। बट हाउ डू यू डिसाइडेड दीस टू देन फिर किधर जाने को, मेरे साथ सेम डायलेमा मेरे साथ भी था सर। मैं कॉलेज जब पढ़ा तो मैं फिजिक्स पढ़ाता था बेस मुंबई में जब कॉलेज के साथ साथ ही, फिर जब मैं मेन टीचिंग में आया देन आई मत फिर मैं मैथ्स की तरफ टर्न हुआ। ओके, मैंने आपको बताया जैसे बंसल सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो खुद मैथ्स पढ़ाते थे और उनको फिजिक्स के टीचर की जरूरत थी, तो इट केम जस्ट बाय चांस, जो कई बार चीजें जो होती है वो प्लान करके नहीं होती। तो अगर सर अगर सिचुएशन दूसरी होती तो शायद आप अगर वो फिजिक्स पढ़ा रहे होते शायद आप मैथ्स पढ़ा रहे होते। हो सकता है स्टूडेंट, एक बात और क्लियर हो गई आपको, अगर मैथ्स अच्छी रखनी है और फिजिक्स अच्छी रखनी तो ये दोनों बहुत अच्छे से आपके पैरेलल चल सकती हैं। अगर आप किसी एक टॉपर से भी बात करेंगे तो अगर उसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप पूछेंगे तो वो इन्हीं दोनों में से एक होता है। सर आप एग्री करेंगे इस बात पे? बिल्कुल, दोनों में लॉजिकल कनेक्शन है, दोनों स्ट्रॉन्ग लॉजिक पे बेस्ड है, रूल बेस्ड है, तो जैसे मैथ्स रूल बेस्ड होती है वैसे ही फिजिक्स का सब्जेक्ट भी रूल बेस्ड है, नेचर के लॉज जो है वो मैथ्स की लैंग्वेज में होते हैं। फिर भी एक चीज है मतलब कि हम मैथ्स में वैसी फील नहीं दिला पाते हैं जैसी आप फिजिक्स में दिला सकते हो कि ये देखो घूम रहा है, मतलब वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर भी। थोड़ा सा इस पे बताइए ना थोड़ा स्टूडेंट्स को कि वो कैसे कनेक्ट करके पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है उनका थॉट प्रोसेस जो है बिल्कुल फिजिक्स सब्जेक्ट को कैसे विजुलाइज करते हैं उसी पे फोकस करते हैं कि बच्चा जो होता है उसको कैसे सोचना है, रियल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है उससे उसको कनेक्ट करते हुए उसके लॉज ऑफ फिजिक्स उसको समझाते हैं और उसका मैथ से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो यही एक चीज है कि भाई कैसे टीचर जो है आपको इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट से, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो टीचर पे डिपेंड करता है। यदि आपका टीचर जो है वो ऐसा है जो पैशनेट है अपने सब्जेक्ट से जो है के बारे में बहुत आपको जो है जोड़ के रखने के लिए पूरे एफर्ट लगाता है तो जरूर आपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा, और राइट टीचर जो है यदि आपको मिला तो आपका सब्जेक्ट की जो है अंदर मेहनत करने की भी इच्छा होगी और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो मैंने यही देखा है कि जो जिनका थोड़ा लॉजिकल
थोड़ा एबिलिटी होती है, एप्टीट्यूड होता है, वो लोग फिजिक्स अच्छा कर लेते हैं और उनका मैथ्स भी अच्छा होता है। मगर कुछ लोग जिनका जो है एनालिटिकल एबिलिटी थोड़ी सी वीक होती है, उनको फिजिक्स में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, थोड़ा लेट वो पिकअप करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट सर ने जो बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कनेक्शन है ना रियलिटी से, आपकी जो एक जैसे क्वेश्चन लिखा रहता है बिल्कुल निर्जीव सा होता है, लेकिन अगर आप कनेक्शन करना सीख जाएंगे ना तो उस चार लाइन लिखे हुए फील इतना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि आप उसको जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम में सॉल्व कर लोगे। और ये जो फील दिलाने वाली बात है ना, ये एक एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ मिलेगी आपको, और सर का तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि मतलब आप समझ जाओगे कि मतलब आप को एक कम टाइम, जो कि एग्जाम जो हमारा है इसमें तीन सब्जेक्ट नहीं है, मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है, दो और सब्जेक्ट है, एक तो टाइम और एक आपकी एक्यूरेसी। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट से घर पे आके पेपर सॉल्व हो जाता है, एग्जाम में नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको उसी टाइम फ्रेम में करना है। तो जितना अच्छे से आप अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से जब इन चीजों को कनेक्टेड कर पाएंगे तो बस टाइम कम होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। और आई थिंक जो सर का नाम जो रखा गया है के शॉर्टकट्स मेजर जो टिप्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के जो शॉर्ट करने के तरीके, क्वेश्चन जल्दी करने के तरीके, जो निंजा टेक्निक्स जिसकी वजह से सर फेमस है, तो बस आपके लिए बहुत जल्दी बहुत सारे कोर्सेज सर लेकर आने वाले हैं। बस आप ये समझो भगवान मिल गया फिजिक्स के, फिर पकड़ लो सर के पहुँचते चले जाओगे। सर एक बात ये पूछनी है कि एज ए टीचर किसी लेक्चर को जब अपन क्लास लेने के पहले प्रिपरेशन एज ए कोई, जैसे आपके आपने तो काफी सारे टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी हुई है, तो उनके लिए अब इस बारे में आप क्या बात है, हाउ मच प्रिपरेशन ए टीचर करता है बिफोर टेकिंग अ क्लास, इसके बारे में थोड़ा सा सर आप बताएं। देखिए तीनों सब्जेक्ट के यदि मैं बात करूँ तो तीनों सब्जेक्ट का नेचर बहुत डिफरेंस है, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनाइज टीचर को होना पड़ता है और सिस्टमेटिक वे में वो यदि सब्जेक्ट की डिलीवरी करता है केमिस्ट्री में तो उसका इफेक्ट अलग आता है। मैथ्स में जो है जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन वगैरह जो है की ज़रूरत पड़ती है, और मैथ्स के जो है जितने भी अच्छे टीचर्स हैं दे आप जो है जरूर इस बात को कॉरोबरेट करेंगे कि इलस्ट्रेशन पे पूरा सब्जेक्ट का फ्लो रहता है। आपने राइट इलस्ट्रेशन और बच्चों को करा दिए तो आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स में जो है ये होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो शार्प टॉपर्स का पोटेंशियल जिनका होता है, उनको बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन जो है हम जो है यदि कराएं तो वो यूजफुल नहीं होते हैं। हम उनको थ्योरी बेसिक यदि अच्छी तरह से समझा देते हैं और सपोर्टिंग इलस्ट्रेशन यदि कम भी हो तो जो है बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं खुद चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की। तो ये जो है हमारा मेरा तजुर्बा रहा है फॉर स्पेसिफिकली टॉपर्स कि जो है आई लेट देम टेस्ट द चैलेंज ऑफ ट्राइंग टू ग्रैपल विद प्रॉब्लम्स अदर देन गिविंग देम हिंट्स आइडियाज बिफोर हैंड इन द थ्योरी ओनली। तो थ्योरी में ही सारे बातें बताने के बजाय बेसिक थ्योरी को हम जो है बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और उनको चैलेंजेस देते हैं। ये चैलेंजेस जो है ये स्पेसिफिकली टॉपर्स बच्चे जो होते हैं उनके लिए अलग डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, और जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फिर हम अलग ग्रेडेड एक्सरसाइज देते हैं। तो ये जो चीज़ होती है कि हमारा जो टेलर्ड मटेरियल है कि भाई शुरू में तो आप करिए आप ग्रेडेड एक्सरसाइज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, और फिर जब आपको थोड़ा आ जाए कॉन्फिडेंस तो आप जो है इरोडो जो है प्रॉब्लम बुक है वो भी आप करवाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है कि भाई टीचर के प्रिपरेशन की जो आप बात कर रहे थे, तो टीचर जो है एज ए टीचर मैंने जो है बहुत ऑर्गेनाइज वे में नोट्स के रूप में फिजिक्स को नहीं पढ़ाया है, मगर जो है सब्जेक्ट को टॉपिक को डिलीवर करने में जो आइडियाज बच्चों को समझाने चाहिए वो जो है इफेक्टिव वे में कैसे किया जा सकता है उसके लिए मैं क्लास में ही जो है इम्प्रोवाइज करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो है जैसे क्वेरी करते हैं, जैसे जितना जो है कस्टमाइज टीचिंग, बिल्कुल कस्टमाइज टीचिंग। तो मैंने जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जो है अपनी क्लासेस में जो है इम्प्रोवाइज कर करके जो है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों का क्या रिक्वायरमेंट है उससे जो है इलस्ट्रेशन ज़्यादा प्लान किया करता था, और जो है टॉपर्स बच्चे जो होते थे उनको इलस्ट्रेशन जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग देते थे, उनको होमवर्क जो है टफ प्रॉब्लम्स की ज़्यादा देते थे। तो ये जो हमारा जो रहा
अभी तक का तजुर्बा, उसमें जो है बहुत नोट्स बेस्ड टीचिंग हमने फिजिक्स में नहीं करी है, मगर स्टूडेंट्स को जो है टॉपिक वंस वी एक्सप्लेन द टॉपिक, वी गिव देम स्मॉल एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस, एंड दे ट्राई एंड कम बैक विद देयर प्रॉब्लम्स। तो टीचर जो है वो फिजिक्स में क्लास के पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, यदि हमें प्रॉब्लम सेट हमारा जो है वो बिल्कुल हमने बना के रख रखा है कि वे बच्चों को होमवर्क क्या देना है, बस वो हम डिस्कस करते हैं और आगे की थ्योरी पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर इसमें एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जो इतने सारे टाइम में आपने जो जर्नी पूरी देखी है इस इंडस्ट्री की, जो एजुकेशन है ये कितना चेंज हो गया है जब से, मतलब IIT जैसे एग्जाम तो फिर वही है, हालांकि एग्जाम में जो लेवल्स हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके, पहले सब्जेक्टिव था फिर ऑब्जेक्टिव हुआ, बीच में -2 की मार्किंग भी आ गई, फिर मतलब कि इस साल तो पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स का कॉलम पूछा भी नहीं गया, इस पूरी जर्नी में विद टाइम कितने सारे चेंजेस आए हैं, किस तरीके से ये चेंजेस होता जा रहा है, आगे आप क्या देखते हैं, मतलब आपके पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं हर क्लास में पूछते भी रहते हैं कि साहब पैसेज क्यों करवा रहे हो, इस साल तो पूछ ही नहीं गया है, तो ये पूरा चेंज के बारे में आप कैसे देखते हैं इस पूरे चेंज को? नहीं, ये JEE एडवांस जो है अभी भी पैटर्न चाहे चेंज हो गया है बट चैलेंजिंग उतना ही है, डिफिकल्टी लेवल उतना ही है मेरा अकॉर्डिंग जो है, तो डिफिकल्टी लेवल में मेरे को नहीं लगता कोई चेंज आया है, पैटर्न जरूर चेंज होते जाता है क्वेश्चन आस्किंग का तरीका, बट इनका डिफिकल्टी लेवल और जो एक एडवांस का जो इनका जो पैटर्न जो तरीका है टेस्टिंग तरीका, वो मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई भी गिरावट आई है, बदलाव ठीक है समय के साथ हो रहे हैं, बट IIT हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन हंटिंग आउट द टैलेंट इवन इफ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम चेंजेस। तो मैं उसके लिए जो है ये कहूंगा कि IIT जो है जो ने जो इमेज बनाई है अपनी वर्ल्ड क्लास इमेज बनाई है JEE के माध्यम से, वो ये डिजर्व करते हैं, और बच्चे जो 2-3-4 साल से ज्यादा आजकल प्रिपरेशन करते हैं उनको जो है एक टफ चैलेंज मिलता है जो दुनिया में और कई किसी एग्जाम में नहीं मिलता है। आई थिंक -2 की मार्किंग लेकर आना ही इसीलिए है ताकि वो तुक्के जो भी लगाते हैं उन स्टूडेंट्स को पहले साइड में कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द मतलब एक लेवल है कि भाई देखो ऐसा है कि हर किसी को तो एग्जाम हम देंगे देंगे नहीं, पहली बात तो यही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे तो वही रिजेक्ट कर देते, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, पहले बोल देते हैं इस बार। बिल्कुल, और जो इस बार जो पिछले 2-3 साल से चेंजेस लेकर आए हैं कि अप टू 2 डेसिमल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी ये ही है ना, स्टूडेंट्स थोड़े से माहिर हो जाते हैं 0 से 9 के बीच में इंटीजर गेस करने के लिए, तो जब वो अप टू 2 डेसिमल पहुंच जाता है जब तक तो मतलब अब तो कोई तुक्का लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज ऑल अबाउट, हमने जो है बच्चों को इसीलिए यही बोलते हैं कि एग्जाम के पैटर्न को क्रैक करने के बजाय सब्जेक्ट को जो है अपनी कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो, सब्जेक्ट को समझो, वही है तो पैटर्न प्रूफ हो जाओगे, यदि तुम्हारा सब्जेक्ट बढ़िया है तो पैटर्न कोई भी हो तुम्हें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हें हर पैटर्न में जो है अच्छा करवाएगी। स्टूडेंट्स आपने देखा सर ने बीच में बहुत अच्छी प्रो टिप दी थी और जिसमें सर ने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर भी किया था कि जो टॉपर्स होते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाने के लिए तरीका ये हो जाता है कि टीचर्स ये चाहते हैं कि वो आधा थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के यानी उस तक पहुंचने के रास्ते खुद ढूंढे, जो सर ने आंसर बीच में आंसर के पिछले वाले का कि हम चाहते हैं कि जो टॉपर तो वही रास्ता है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अंडर 100 रैंक लेकर आनी है, 200 रैंक लेकर आनी है, या 50 के अंदर रैंक लेकर आनी है, टॉप 10 के अंदर लेकर आनी है, अगर सारी बातें आप टीचर से सीख सीख के करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा मेमोराइज वाला पैटर्न उसकी तरफ चला जाता है। अगर टॉपर्स वाली स्किल्स की बात करें तो वो ये है कि आपको थ्योरी पढ़ा दी और बस उसके बाद आपको क्वेश्चंस दे दिए, फिर आप उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हो और फिर आप उनको आंसर तक लेके आएंगे, शायद यही आप समझाना चाहते हैं। सर एक बार फिर बता दो कि हर बच्चा YouTube पर ये जरूर सर्च करता है कि मैं अंडर 100 अंडर 50 कैसे रैंक आऊं, थोड़ा सा इस पे एक बार और ब्रीफ कर दीजिए इनको 2 मिनट में, इनका फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्यूरी रहती है कि सर मैं क्यों नहीं टॉप कर पा रहा, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करूँ बाकी लोगों से, ये जो मेथड आपने थोड़ी देर पहले बताया था एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टॉपर्स अच्छे बच्चों से पढ़ाने का वो एक यूनिक रहा है, क्योंकि कोटा में से इतने अच्छे बच्चे हर साल सेलेक्ट होते थे बंसल क्लासेस और फिर वाइब्रेंट, तो मेरे को जो उनको पढ़ाने का एक मोस्ट इफेक्टिव वे जो मुझे लगा पढ़ाते पढ़ाते वो यही लगा
कि उनको जो है आप स्पून फीडिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। उनको सारे कॉन्सेप्ट यदि आपने बता दिए, खोल के दे दिए हर तरह के पैटर्न के, तो वो आईआईटी के एडवांस एग्जाम में जो नया वैरायटी का क्वेश्चन आएगा उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम जो है पहले से बच्चों को जो है एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई तुम जो है नई नई सिचुएशंस को जो है खुद सोच के कैसे निकालोगे। तो वो जो चीज होती है कि अनफेमिलियर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, वो यदि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो एडवांस एग्जाम में जो है अच्छा करेगा। तो दिक्कत जरूर आती है, बट यदि पढ़ाने में यदि उस बच्चे को मौका दिया जाए खुद सोचने का कि भाई ये तुम्हें सोचना चाहिए, तुम कर सकते हो, बस हमें मोटिवेट करना है और उन्हें इनफ थ्योरी पढ़ानी है सपोर्टिंग कि भाई बच्चा सोच पाए, तो वो हमारी स्किल होती है कि कितनी बात बच्चे को बतानी है और कितनी बात उसको खुद को सोचने के लिए छोड़नी है। दैट्स वेयर आवर एक्सपीरियंस लाइक। और वहीं पर आई थिंक एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में जो फाइटिंग स्पिरिट का खेल है वहीं पे उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो हिम्मत हार जाता है। होमवर्क तो बहुत तरीके से स्टूडेंट्स कर लेते हैं। स्टूडेंट ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 10 सवाल दिए, 4 क्वेश्चन देखे, थोड़े से पढ़े, ये तो आई नहीं रहा, टिक कर दिया। लेकिन जो टॉपर्स होता है ना बेटा, वो पीछे पढ़ा रहता है उसके बाद, उसको मतलब खाना खाते खाते भी उसके दिमाग में वही क्वेश्चन चलता रहता है कि वो कैसे होगा। जब नेक्स्ट डे डिस्कशन होता है, इवन जो डिस्कशन वाली क्लासेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी के अंदर मेनली पता चलता है कि मैं तो कल तक ये, इसके तरीके भी अलग अलग है। कई बार क्वेश्चन में एक लाइन नहीं लिख पाते, कभी 3 लाइन के बाद समझ में नहीं आता और कभी लास्ट वाली लाइन के पहले आंसर गलत हो जाता है। ये तीनों अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से गलत हो जाता है। अगर आपको क्लू ही नहीं मिला है स्टूडेंट, तो इसका मतलब तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हुआ क्या है। 3 लाइन के बाद है तो आप उसके अंदर एक जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो मिस कर गए। वो कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी दुश्मन है, अगर कॉन्सेप्ट आता भी है आंसर गलत आ रहा है तो फिर कैसे मार्क्स। सर ये तो टीचिंग पे आपने बहुत सारा बताया हमें, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग जब आप फ्री रहते हैं सर, तो सर फिर आप कैसे अपना डे यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं सर, कुछ बताइए सर। नहीं, फिजिक्स के अलावा जो है मेरा डिफरेंट जो है रीडिंग इंटरेस्ट है। अच्छा, तो मैं जो है फिलोसफी पे भी जो है पढ़ता हूँ और सोचता हूँ चीजों के बारे में, क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स सब्जेक्ट ही नेचुरल फिलॉसफी, आपको पता होगा सोचने का नेचुरल फिलॉसफी पहले रिलेट करना बेसिकली मेनली रिलेट करना। तो वो जो लॉजिकल माइंड होता है वो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन रेज करता है। तो फिलॉसफी जो है मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, पढ़ता हूँ। ग्रीक फिलोसोफर्स भी मैंने जो है फॉलो करे हैं और बच्चों को भी कभी कभी क्लास में जो है थोड़ी सी जो है फिलोसफी की डोज में जो है दे देता हूँ कभी कभी। तो बेनिफिट हो गया उनका सर। तो जो उनका जो आउटलुक होता है टुवर्ड्स लाइफ जो है वो भी जो है राइट वे में उनको जो है डेवलप करने के लिए कभी कभी जो है टीचर का जो है बताई हुई बातें जो है उनके जिंदगी में जो है उनको हेल्प करती है। इवन सर फिजिक्स तो हो सकता है कि आगे जाके उसके काम ना आए, वो किसी और प्रोफेशन ऐसे में चला जाए, लेकिन ये बातें जो होती है ना ये उसके दिमाग में कई सालों तक लाइफ लॉन्ग इवन वो स्टोर होकर रह जाती है। जो बेसिक चीजें जो हम एज अ टीचर स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो जो आपका तो एक्सपीरियंस ही इतना वास्ट है कि मतलब कि उसका तो बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स के माइंड के ऊपर। और वो जो आपने एक लाइन बोली थी कि ये एज ही ऐसी है स्टूडेंट्स की कि बहुत ज्यादा इंप्रेशन उनके माइंड सेट के ऊपर इन चीजों का पड़ता है। एक सर एक जो बात दिमाग में आ रही है सर, ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन ये जो अभी चेंजेस आ रहे हैं इंडियन एजुकेशन पे, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है, सर आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि पहले स्टूडेंट आप जिसे आपसे पढ़ना है तो कोटा ही आना है, ऐसा वाला सीन था। अभी इसको ये जो चेंजेस आए हैं आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा सा एक्सेलरेट भी हो गया है। एक्सेलरेट हो गया exactly. आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, मैं इसको जो है अच्छा एक बदलाव मानता हूँ। बदलाव है जो किसी ने इतना तेज होगा एंटिसिपेट नहीं किया था, मगर ये बदलाव मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इससे एक जो लोग अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं मिलती थी कि भाई वो पढ़ पाए कोटा आके, सबको जो है अब एक्सेस मिल पा रही है और अफोर्डेबल वे में भी मिल पा रही है। अन अकेडमी को जो है मैं इसीलिए जो है एक कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत बढ़िया जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि कम फीस के अंदर और कम टिकट साइज पे जो है बच्चे एंटर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर के कन्फाइंस के अंदर। तो ये एक बहुत
बढ़िया चीज जो है हिंदुस्तान के एजुकेशन फील्ड में अनअकैडमी और भी दूसरे हैं सब लोग जो बना रहे हैं, तो ये एक वजह थी कि वाई वाइब्रेंट एक्चुअली गॉट टू ज्वाइन विद अनअकैडमी। हम क्यों जो है अनअकैडमी से जुड़े उसका एक रीजन भी यही था कि हम डायरेक्टर्स जो थे हम सबका जो है मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मगर हम ये महसूस कर रहे थे इस दौरान पिछले 6-8 महीने के दौरान कि ये जो ऑनलाइन जो है अब जो एजुकेशन का एक एस्पेक्ट आया है जिसमें कि बच्चे जो है अपने घर के अंदर रहते हुए जो है सीख पा रहे हैं और बड़े इफेक्टिव वे में सीख पा रहे हैं, तो वो एक दो साल पहले जो है बैंडविड्थ उतनी नहीं थी, इंटरनेट की स्पीड उतनी नहीं थी, अब ये प्रॉब्लम्स खत्म होती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है इसके अंदर और मैं सोचता हूँ कि इंडिया में इसका काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर है एंड अनअकैडमी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड दैट्स द रीजन व्हाई वाइब्रेंट अकेडमी चूज अनअकैडमी फॉर इट्स ऑनलाइन कोर्सेज। अनअकैडमी मेजरली जो है वो एजुकेटर्स की वजह से ही है और आप जब आप जैसे चमकते सितारे जब यहाँ पर आएंगे तो फिर तो सर और ये तेजी से फ्लरिश करेगा और इंडिया के जो कोने कोने में स्टूडेंट्स जेई के बारे में जिनको जैसे मैंने बताया कि मुझे पता नहीं था एज ए 12th आपको भी सर इसी तरह की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मोटिवेशन नहीं था या बताया ही नहीं गया था। अब तो टीचिंग ऐसी हो गई है डियर स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं कि आपके घर पे अवेलेबल है, फोन टैप पे अवेलेबल है, आप टैप करेंगे टीचर अवेलेबल है। तो सर थोड़ा सा बताइए आप स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज प्लान कर रहे हैं और ये जो एसोसिएशन अनअकैडमी के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है तो बैचेस कब से लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन से बैचेस हैं उसके बारे में बताइए सर स्टूडेंट्स को ताकि फटाफट से वो लोग आ जाए आपकी क्लासेस में और जो आपका एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट उठाए सभी डायरेक्टर्स की क्लासेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप बच्चे लोग आप 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए हमने जो है 20th नवंबर से जो है वाइब्रेंट के कोर्सेज के नेम पर ही यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन करके लॉन्च कर रहे हैं और वो 20th नवंबर से चालू होंगे। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी वो माइक्रो कोर्स जो वाइब्रेंट का चल रहा करता था उसी का ऑनलाइन वर्जन जो है हम अनअकैडमी पे सेम नेम से लॉन्च कर रहे हैं, 20th नवंबर से क्लासेज होंगी। और क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी जो है मेगा कोर्स में ऑनलाइन वर्जन में अनअकैडमी पे 20th नवंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यू कैन बेनिफिट ऑल ओवर द कंट्री, आप कहीं भी हो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द रिच एक्सपीरियंस ऑफ वाइब्रेंट डायरेक्टर्स। ऑल 7 डायरेक्टर्स आर गोइंग टू टीच इन दीज 2 ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th नवंबर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, सो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। डू ज्वाइन गाइस, स्टूडेंट्स आप सब मार्क कर लो 20 तारीख को, ठीक है, दिवाली मना लो, दिवाली के बाद बस 20 तारीख जैसे ही आती है उसका मतलब ये नहीं उसके पहले पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई जब भी करनी है जब क्लासेस में आओ तो बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड होके 20 तारीख से सर के क्लासेस कोर्सेस सब लॉन्च हो रहे हैं। प्रोफाइल तो आप सर के अभी भी जाके फॉलो कर सकते हैं, फटाफट वहाँ जाओ आप तो बस फॉलो, पिक्चर तो आप सबने देखने शुरू कर दिया होगा, फोटोग्राफ से तो पहचान ही लोगे सबको, बस जाके वहाँ पर फटाफट जाके फॉलो कर लो ताकि सर की अगर कोई स्पेशल क्लासेस भी आ रही है इन 7 डायरेक्टर्स की तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी अनअकैडमी प्लस पर नहीं है जो अभी सोच रहे हैं कोर्सेज लेने की या जो किसी रीजन से थोड़ा सा उनका प्रिपरेशन डिले हो गया है तो आपको मैं बता दूं बेटा नए कोर्सेज आ रहे हैं जो भी एक्सपीरियंस के भी एक्सपीरियंस टीचर्स जो है उनके आ रहे हैं तो आपको और मजा इसमें आने वाला है। तो अब आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को भी दिखाओगे, पापा मम्मी देखो अब तो एजुकेटर्स जो है जो कोटा वाले टीचर्स और अच्छे से अनअकैडमी पे आ गए, अब तो एडमिशन करवा दो, ठीक है। और ये लास्ट लिमिट वाला है, ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई तो फिर रिग्रेट वाली बात हो जाएगी। पूरा सिलेबस कंप्लीशन आपके सामने पड़ा है 21 वालों के लिए, स्पेशली 21 वाले जो 2020 जो सोच रहे हैं कि एग्जाम आने वाला ही है, आप सोचिए। और जो 10 से 11th वाले आए हैं तो थोड़े से 11th क्लास में हमेशा आते सर मैं ढीला पड़ गया था, ये हो गया था, पीछे रह गया था, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मिस मत करिएगा। तो सर बहुत जल्दी क्लासेस के लिए आएंगे सर की स्पेशल क्लास 20 तारीख के पहले हो जाएगी स्टूडेंट्स, यस सर करेक्ट सर, तो उसको भी प्लान करिए, ट्यूजडे को सर की स्पेशल क्लास है आप फटाफट से उसके लिए भी एनरोल कीजिएगा। तो सर के साथ हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू रखा है और सर हम डेली आपको क्लासेस के अंदर भी मिलेंगे 20 तारीख से, तो थैंक यू सो मच सर। अब हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और ये जो कोलैबोरेशन अनअकैडमी का और वाइब्रेंट अकेडमी का हुआ है ये बहुत ही पॉजिटिव वे में स्टूडेंट्स और हर जेई एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है। तो इसी नोट पर सर इस सेशन को क्लोज करते हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस सेशन सर। Thank you. Thank you very much.